नमस्कार दोस्तों, चलिए फाइनली जेक बोर्ड ने आपका मॉडल पेपर जारी कर दिया है। आपको पता होगा कि 2023 में जो एग्ज़ाम आपका बोर्ड परीक्षा का होना है क्लास 10 का, उसके लिए 5 मॉडल पेपर जारी किए गए हैं जेक की तरफ से। ठीक है, तो चलिए हम लोग जितने भी मॉडल पेपर जारी किए गए हैं सबका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ देखते हैं, सबको सॉल्व करते हैं। आज हम लोग मैथ के जो सब्जेक्ट मैथ है उसका मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि 5 मॉडल पेपर जो जारी किया गया है तो सबके जितने सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट के 5 ऑब्जेक्टिव और 5 सब्जेक्टिव मॉडल पेपर जारी किए गए हैं। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है मैथ के उनको सॉल्व करेंगे। आप वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, जितने भी क्वेश्चन है सबको हम लोग डिटेल्स में बारीकी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन क्या है तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना हो तो 156 को आपको यहाँ करना क्या है, फैक्टर। तो इस तरह करना है आपको, ये 2 के पहाड़ा में जाएगा, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16 यानी 78 बार में, फिर जाके 2 से ये जाएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18। अब ये 2 के पहाड़ा में 39 नहीं आता है तो 3 से हम लोग देखेंगे, तो 3 से ये कितना बार में आएगा, 13 बार में। अब 13 खुद अभाज्य संख्या है तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं ये 2 × 2 × 3 × 13। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है उसका अभाज्य गुणनखंड ये आएगा। ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ये ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, ये हो गया आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर दो में लिखा गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यदि a बराबर BQ + R हो तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्या दिया हुआ है, a बराबर BQ + R ये दिया है, आपको 4 ऑप्शन चुनना है। तो आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वाला फॉर्मूला याद होगा, उसके लिए हम लोग का जो कंडीशन होता है वो होता है कि जो R का वैल्यू होता है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर आएगा या b से छोटा आएगा। यानी इस इक्वेशन के लिए जो कंडीशन होता है वो होता है R > = b, यानी R का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा। तो ऐसा ऑप्शन आपको किस में दिख रहा, ऑप्शन नंबर b में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर b। तो 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, b नंबर। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है 7√5 कैसी संख्या है। आपको 4 ऑप्शन में से बताना है 7√5 कैसी संख्या है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए 7 है, रूट 5 है, तो रूट 5 जो है इसका वर्गमूल नहीं होता है। अगर ऐसा कोई संख्या हो रूट में जिसका वर्गमूल ना हो तो ऐसे संख्या को हम लोग अप्रमेय संख्या कहते हैं। अगर ये रूट के अंदर ऐसा संख्या होता जिसका वर्गमूल होता, सपोज डेट ये 9 होता तो 9 का वर्गमूल क्या होता, 3, या 16 होता तो वर्गमूल क्या होता, 3, तो इसको हम लोग प्रमेय कहते हैं। लेकिन ये रूट में है इसका वर्गमूल नहीं होगा तो ये कैसा संख्या, अप्रमेय संख्या है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर हम लोग क्या देंगे, ऑप्शन नंबर बी को देंगे, अप्रमेय संख्या। क्लियर है यहाँ तक। चलिए ये हो गया अप्रमेय, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है प्रत्येक भाज्य संख्याओं का गुणनखंड अभाज्य संख्याओं में अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना होता है। तो ये अनेक होता है क्योंकि जो क्रम आएगा वो अनेक क्रमों में आएगा। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं पहले ये कहना क्या चाह रहा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें बोला है भाज्य, तो भाज्य संख्या क्या क्या होता है आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो यहाँ लिखते हैं हम, भाज्य संख्या होता है 4, 6, 8, 9, 10, 12, इस तरह ये भाज्य संख्या होता है। अच्छा, अभाज्य संख्या क्या होता है, तो अभाज्य संख्या जो केवल अपने या एक के पहाड़ा में आए, जैसे 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, ये क्या होता है, ये अभाज्य होता है। तो वो क्या बोला है कि भाज्य संख्या का आपको करना है गुणनखंड। तो भाज्य संख्या जैसे 4 है, हम लोग 4 का गुणनखंड करते हैं, तो 4 का गुणनखंड क्या आया, 2 × 2, तो ये जो 4 का गुणनखंड 2 × 2 निकला, इसी तरह आपको 6 का गुणनखंड करना है तो क्या आएगा, 2 × 3। उसके बाद 8 का गुणनखंड करने पर 2 × 2 × 2, अगर 9 का गुणनखंड किया जाए तो 3 × 3। तो इसमें बोला है जो भाज्य संख्या का जो गुणनखंड है
क्या ये प्रत्येक अभाज्य संख्या जैसे चलता है दो तीन पाँच सात उस तरह आ रहा? तो देखिए दो है तो दो तो मिल गया, तीन है मिल गया, लेकिन तीन के बाद यहाँ सब जगह दो वापस है, लेकिन आना क्या चाहिए था? पाँच। उसके बाद फिर तीन आ गया, लेकिन आना क्या चाहिए था? सात। यहाँ पाँच, यहाँ सात नहीं आया। लेकिन अगर दस का बात करें तो दस का अगर गुणनखंड करेंगे तो पाँच आ जाएगा। वो बोलता है क्या ये रेगुलर है या अनेक बीच में गैप होगा? तो बीच में बहुत सारा संख्या ऐसा आएगा जिसके सीरियल से मैच नहीं करेगा, मतलब दो है उसके बाद तीन है उसके बाद पाँच आना चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ यहाँ कहीं पाँच आना चाहिए, नहीं है। तो इस प्रकार कितनी संख्या है जो कुछ संख्या के बाद में ये पाँच आएगा? अनेक संख्या है। हम लोग का जो ऑप्शन है उस ऑप्शन के अनुसार हम लोग का आंसर हो जाएगा ए नंबर, अनेक। ठीक है, आपको अनेक में टिक लगा के आना है, अनेक। क्लियर है यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव में लिखा गया है y बराबर पी एक्स का ग्राफ दिया गया है, तो बहुपद पी एक्स के शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ग्राफ कितना बार काट रहा वो आपको लिखना है। तो ग्राफ आपको दिख रहा होगा कितने बार काट रहा, तीन बार। जैसे ये x अक्ष वाला है और ये y अक्ष वाला है, ठीक है। तो ये तो ओरिजिन हो जाता है। अब इस पर ये y है, ये x है, ये y डैश है और ये x डैश है, ये तो ग्राफ है। अब इस पर जो ग्राफ चला है वो कुछ इस प्रकार चल रहा है, ठीक है। ये काट रहा, आपसे पूछा पी एक्स के शून्यंकों की संख्या, तो पी एक्स जब पूछेगा तो एक्स वाला को देखना है, एक बार, दो बार, तीन बार। तो कुल मिला के कितना बार ग्राफ काट रहा है पी एक्स, मतलब एक्स वाले को? तीन बार। तो आंसर हो जाएगा तीन, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, तीन। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव के बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स पर। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये रहा क्वेश्चन नंबर सिक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स में लिखा गया है बहुपद एक्स स्क्वेयर माइनस पंद्रह के शून्यंक क्या है? तो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर माइनस पंद्रह, इसका हमको क्या निकालना है? शून्यंक। जब कभी भी आपसे शून्यंक पूछे तो बराबर जीरो लिखना है, जब कभी भी शून्यंक पूछे तो बराबर क्या लिखना है? जीरो, ठीक है। अब यहाँ एक्स का वैल्यू निकालना, तो एक्स स्क्वेयर इस पंद्रह को बराबर का इधर ले जाना है, माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस, ये हो गया प्लस। अब एक्स का वैल्यू निकालना है, इस स्क्वेयर को इसमें भेजना है रूट के साथ, यानी प्लस माइनस रूट अंडर पंद्रह। तो इसी को लिख सकते हैं एक बार प्लस में, यानी पंद्रह प्लस में कोमा एक बार माइनस में, इस तरह आएगा। तो हम लोग का ऑप्शन देखना है, ये प्लस का साइन हो या ना हो, प्लस ही होता है यहाँ। तो हम लोग का सिक्स नंबर ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आंसर में? ऑप्शन आ जाएगा सी नंबर। तो देखिए सी नंबर में लिखा होगा रूट पंद्रह कोमा माइनस रूट पंद्रह, ये शून्यंक हो गया, ठीक है। यहाँ प्लस का साइन देना जरूरी नहीं, कुछ नहीं मतलब प्लस का साइन होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पे। क्वेश्चन नंबर सेवन में लिखा है द्विघाती बहुपद के शून्यंकों का गुणफल क्या होगा? तो शून्यंकों का गुणफल निकालने बोला है, और हम लोग को पता है कि जो ये इक्वेशन दिया हुआ है वो इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस सेवन एक्स प्लस टू, ये इक्वेशन दिया गया है। इस इक्वेशन के अनुसार एक्स स्क्वेयर के पहले वाला जो वैल्यू है, कुछ नहीं मतलब यहाँ वन है उसको वन बोलते हैं, x के पहले वाला वैल्यू को b बोलते हैं, b इक्वल टू सेवन आ जाएगा, b इक्वल टू क्या आ जाएगा? सेवन। और c इक्वल टू ये लास्ट में ये c है, कितना है? टू। आपसे पूछा है शून्यंकों का गुणफल, शून्यंकों का गुणफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? तो अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है सी बटा ए। अब आपको सी और ए का वैल्यू पुट करना, वैल्यू पुट करने के बाद जो आएगा वो आंसर होगा। तो वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, सी का वैल्यू कितना है? दो, यहाँ पुट करते हैं दो। अच्छा, ए का वैल्यू कितना है? वन। तो दो बटा वन को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं? दो, ये आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर कितना है क्वेश्चन नंबर सेवन का? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में आंसर कितना दिया है? दो, ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार हम लोग को चीज़ों को सॉल्व करना है, और आपको ऑब्जेक्टिव जो आएगा उसमें गोल गोल भरना है, तो आराम से इस तरह सॉल्व करके आप चीज़ों को बना सकते हैं, ठीक है। हम लोग फुल डिटेल्स में देखेंगे, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेवन तक हम लोग सॉल्व किए, अब क्वेश्चन नंबर एट से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर एट में लिखा गया है रैखिक समीकरण के युग्म ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो तथा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो में यदि ए वन बटा ए टू, क्वेश्चन नंबर एट में क्या लिखा है? ए वन बटा ए टू नॉट इक्वल टू हो बी वन बटा बी टू के, तो नॉट इक्वल टू जब भी बोलेगा तो हम लोग इस इक्वल टू क्या करेंगे? काट देंगे। ये नॉट इक्वल टू है, तो आपसे पूछा गया है बताइए कि निम्न में से कौन सा कथन
सही है। तो जब कभी भी नॉट इक्वल टू आएगा तो इस केस में हमेशा अद्वितीय हल होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अद्वितीय हल। ठीक है, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है x प्लस वाई बराबर 14 तथा x माइनस वाई बराबर 4। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो आप देखिए ये माइनस ये प्लस कट गया, ये प्लस ये माइनस कट गया, x और x कितना हो गया 2x, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 18। अब 2 के पारा में 18 कटेगा 9 बार में, तो x बराबर आ गया 9, x का मान यहां बैठाएंगे तो 14 से घटेगा तो y का मान आ जाएगा 5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी 9.5। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बस इस तरह आपको बनाना है, बहुत ही आसान दिया हुआ है क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 इसमें लिखा है रैखिक संकल युग्म असंगत हो तो आरेख की रेखा कैसी होगी। जब कभी भी असंगत बोले तो आरेख की जो रेखा होती है वो क्या होती है, समांतर। तो इसका आंसर हो जाएगा समांतर। ठीक है, असंगत के केस में समांतर रेखाएं होगी, यानी समांतर होगी जैसा ऑप्शन दे दिया है। तो समांतर कब होगी, जब कभी भी क्या हो, असंगत हो। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है निम्न में से कौन सा द्विघाती समीकरण है। तो आप देखिए द्विघाती समीकरण में करना क्या है आपको, ऑप्शन से हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, तो इसका दिया हुआ एक्स एक्स कॉमा एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 का एक्स। सी में लिखा है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और इक्वल टू 2 एक्स माइनस 3। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया, इसको ऑप्शन से हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2। अब एक तो सॉल्व करने का तरीका है कि आप पूरा तो सॉल्व करिए इसको, इससे गुना फिर इधर करिए और सॉल्व करिए देखिए। तो जो हम लोग का द्विघाती समीकरण होता है उस द्विघाती समीकरण के फॉर्म में तभी होगा जब x का मैक्सिमम पावर 2 बचे। x का पावर अगर 3 आएगा तो द्विघाती समीकरण नहीं होगा, x का पावर अगर 2 नहीं आया तो भी नहीं होगा, मतलब x का पावर 2 होना ही चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं बिना सॉल्व किए हुए ऑप्शन से, x को x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, इधर एक्स स्क्वायर कट गया तो एक्स स्क्वायर अगर कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर नहीं बचेगा तो कभी द्विघाती समीकरण हो नहीं सकता है। अब यहां देखिए एक्स स्क्वायर है, इधर भी जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर यानी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो ये भी द्विघाती समीकरण नहीं होगा, इधर कहीं भी एक्स स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि 2 को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर नहीं आएगा 2x आएगा, लेकिन इधर x स्क्वायर आ जाएगा, इसीलिए यही द्विघाती समीकरण हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, डी भी नहीं होगा। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 11 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है द्विघाती समीकरण के मूल वास्तविक और असमान होते हैं कब। तो द्विघाती समीकरण के मूल वास्तविक और असमान होते हैं अगर d का मान 0 से बड़ा हो। तो यहां समझने वाली बात है, अगर d का मान 0 से बड़ा है तो क्या होगा, वास्तविक तो होगा लेकिन दो भिन्न भिन्न मान निकलेंगे। अगर d 0 रहे तो वो वास्तविक तो होगा लेकिन मान क्या निकलेगा, बराबर बराबर। अगर d नेगेटिव मतलब d का मान अगर 0 से छोटा हो तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ये याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग किसमें, 13 नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा गया है द्विघाती समीकरण का अभिव्यक्त डी होगा। तो डी हमेशा क्या होता है, डी हमेशा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आपको द्विघाती समीकरण का सूत्र में मिल जाएगा, डी इक्वल टू होता है फॉर्मूला अभिव्यक्त जिसको बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ऑप्शन ए। अब आते हैं 14 नंबर पे। तो 14 नंबर क्वेश्चन में लिखा है यदि अभिव्यक्त डी का मान 0 से छोटा है, यानी यहां लिखा है डी जो है वो ग्रेटर देन क्या है, डी लेस देन 0 है, यानी डी 0 से छोटा है। अगर डी कभी भी 0 से छोटा आ जाए तो जो मूल होगा वो मूल हमेशा काल्पनिक होगा। काल्पनिक का मतलब होता है कि ये माइनस में डी का मान आ रहा है इसीलिए ये क्या हो रहा है, काल्पनिक हो रहा, नहीं तो क्या होता, वास्तविक होता। ठीक है, कभी भी डी का मान 0 से छोटा दिखे तो आंसर क्या होगा, काल्पनिक, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए। अब हम लोग 14 तक हो गया, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है निम्न में कौन एपी है। तो हम लोग ऑप्शन से इसको बना के चेक करेंगे एपी है कि नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ए नंबर ऑप्शन में 2, 4, 8,
दो चार आठ सोलह। अब देखिए इसको चेक करना है, सबसे पहले चार को दो से माइनस किए दो आया, फिर जाके आठ को चार से माइनस किए तो चार आया, तो ये बराबर नहीं है, तो ये एपी नहीं होगा, ऑप्शन बी ये बराबर आना चाहिए। अगर ये स्टार्टिंग का दो को बराबर नहीं है तो तीसरा निकालने का जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है एक कोमा माइनस एक कोमा माइनस तीन कोमा माइनस पांच। चेक करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले इससे माइनस एक को माइनस करना है ना, तो माइनस एक को माइनस करना है यानी दूसरा पद को पहला पद से, तो आएगा माइनस टू। अब माइनस थ्री को वन से माइनस करना है, माइनस थ्री फॉर्मूला का माइनस और ये माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, माइनस थ्री से प्लस वन यानी माइनस टू। माइनस पांच को माइनस करना है माइनस थ्री से, माइनस माइनस प्लस यानी माइनस प्लस माइनस यानी माइनस टू, दोनों बराबर है, तो ये क्या है एपी में है। तो हम लोग का पंद्रह नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है, चलिए सोलह नंबर को देखते हैं। सोलह नंबर में लिखा गया है क्या, सोलह नंबर में लिखा है कि एपी दिया हुआ है उसका प्रथम पद और सर्वांतर लिखना। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद ए, ए कितना हो जाएगा तीन बटा दो, सर्वांतर का मतलब डी। अब डी हम लोग को निकालना है तो फॉर्मूला होगा दूसरा पद माइनस पहला पद, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस दो बटा दो। कैसे, देखिए तीन से एक को घटाना है तो इसको काटेंगे एक बार में, माइनस एक, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तीन बटा दो कोमा माइनस वन, ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर सोलह का। अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर सत्रह को, क्वेश्चन नंबर सोलह का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर सत्रह, क्वेश्चन नंबर सत्रह में लिखा है दस से दो सौ पचास के बीच में चार के कितने गुणज हैं, चार का गुणज पूछा है तो दस से ज्यादा लेना है, यानी चार का गुणज में दस से ज्यादा क्या आएगा बारह, उसके बाद आएगा सोलह, डॉट डॉट कर देते हैं। 250 के बीच बोला है तो 250 तो आता नहीं है तो आएगा कितना 248। ठीक है, अब यहां से ये एपी का एक सीरीज बन गया, तो ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं 12, सर्वांतर कितना आ जाएगा 16 से 12 को घटाएंगे तो 4, ये एल आ जाएगा, एल आ जाएगा 248, एल कितना आएगा 248। अब इसमें से हम लोग को एल का फॉर्मूला हमको पता है कि 248 तो दिया है, अब एल का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस का वन और डी बराबर 248। ए के जगह में 12 प्लस एन पता नहीं, डी का मान कितना है 4 2 4 8। ठीक है, 12 को इधर ले जाते हैं, है ना 12 को, ठीक है, तो ये हो गया एन माइनस वन और यहाँ 4 है तो ये हो गया 2 4 8 12 इधर गया तो माइनस 12, इससे 12 को घटा देंगे 8 से 2 गया 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। अब यहाँ एन माइनस वन है, ये 4 गुना में है तो ये बटा में आएगा, 4 से काटो, 4 से इसको काटते हैं हम लोग तो 4 5 20 और 4 9 36 कितना 59 टाइम्स, एन बराबर एक को उधर ले जाएंगे तो जोड़ के कितना आएगा 60, एन को उधर ले जाने पर कितना आएगा एन माइनस वन है बराबर में कितना है 59, तो माइनस वन उधर जाएगा तो प्लस होगा, इससे एक को जोड़ेंगे तो 60 आएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 17 का, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी नंबर, तो ये सही आंसर है 60, ऑप्शन नंबर बी। तुम लोग को इस तरह सॉल्व करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 को देखते हैं। मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी और डी का मान दिया 1.5 सेंटीमीटर, इसके अलावा ईसी का मान दिया है 1 सेंटीमीटर और एई का पूछा है, क्योंकि ये दोनों रेखा समांतर है इसीलिए थेल्स प्रमेय जब लगाएंगे हम लोग तो इतना बटा इतना यानी एई बटा हो जाएगा ईसी बराबर एडी बटा में क्या हो जाएगा बीडी। थेल्स प्रमेय के हिसाब से, ये थेल्स प्रमेय कब लगता है जब दोनों समांतर रेखा हो, तब क्वेश्चन में बोला है कि दोनों समांतर है डी ई और बी सी, वैल्यू बैठाएंगे ए ई का, नहीं ए ई तो निकालना है तो ए ई छोड़ देते हैं, ई सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और ए डी का मान कितना हो जाएगा 3, ये ए डी है, ठीक है ए डी, और ये हो जाएगा 1.5 बी डी का मान, पॉइंट काट के एक जीरो जाएगा, ये 15 बचा, 15 × 2 = 30, एक को दो से गुना करेंगे तो ए ई का मान निकल जाएगा 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर, ये आंसर है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, तो क्वेश्चन नंबर 19 में पहले हम लोग ए बी सी एक त्रिभुज बना लेते हैं, मान लिया जाए ए है ये बी है और ये सी है, ए बी सी एक त्रिभुज बनाए,
इसके बाद बोलता है इसमें डी बी सी का मध्य बिंदु है, ये एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, सब भुजा बराबर है तो डी इसका मध्य बिंदु है। इसके अलावा बी डी ई एक त्रिभुज और बनाता है जो ई भी एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसका मतलब बी डी ई क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, बी डी ई एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी भी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो इस हिसाब से बोला है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी सी के बाद बी डी ई के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यानी बड़ा वाला का क्षेत्रफल, तो हम लोग बोल सकते हैं एरिया ए बी सी का अनुपात का मतलब बटा लिख सकते हैं, क्या पूछा है, एरिया बी डी ई पूछा है, ठीक है, दोनों का। तो ये जो एरिया है अगर मान लिया जाए, इसको हम लोग इस तरह करके समझते हैं तो दिखेगा एक दो तीन चार, चार छोटा त्रिभुज है, उसमें से एक बड़ा त्रिभुज के अंदर चार छोटा त्रिभुज है, तो जो बड़ा त्रिभुज होगा वो हो जाएगा चार भाग में, जो ये छोटा त्रिभुज है वो हो जाएगा एक भाग में, यानी इसको लिखा जा सकता है चार अनुपात एक। अब ये कौन सा ऑप्शन में आएगा चार अनुपात एक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी, यानी सी हम लोग का सही आंसर है, चार अनुपात एक। इस तरह हम लोग रेशियो को निकालना है, क्योंकि ये चार भाग हो रहा है ना, इसीलिए हम बड़ा को पूरा एक दो तीन चार, ये चार भाग के अंदर है चार, छोटा एक भाग है चार का, तो एक, ठीक है। इस चीज़ को अगर वो उल्टा पूछे, मान लिया जाए एरिया बी डी ई ऊपर हो जाए और एरिया ए बी सी नीचे हो जाए, तो ये पलट के हो जाएगा एक अनुपात चार, तो एक अनुपात चार हो जाएगा तब, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा गया है कि त्रिभुज ए बी सी में, यदि एक त्रिभुज ए बी सी हम लोग बनाते हैं, पहले ये रहा त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, और इस क्वेश्चन में क्या बोला है, त्रिभुज ए बी सी में यदि ए सी स्क्वेयर बराबर ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी, इसमें बोला है ए सी स्क्वेयर इक्वल टू दिया है ए बी प्लस बी सी दोनों का स्क्वेयर। ये क्या है, ये पाइथागोरस का इक्वेशन है, जो पाइथागोरस थ्योरम जो था उसका ये क्या, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ये इक्वेशन है, तो हम लोग को पता है इस इक्वेशन में ये होता है कर्ण का स्क्वेयर जोड़ लंब और आधार के स्क्वेयर के जोड़ के बराबर होता है। कर्ण का मतलब ये वाला, तो हो सकता है ए यहाँ हो सी यहाँ हो, क्योंकि ये कर्ण बना ए सी तो बी बचा यहाँ पर अपने आप, तो ये हो गया 90, यानी कर्ण के सामने वाला कोण हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। क्वेश्चन में पूछा गया है बताइए कौन सा कोण 90 होगा, तो कोण बी 90 दिख रहा है हम लोगों को, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, बी, क्योंकि समकोण का मतलब ही कितना डिग्री, 90 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोण बी क्या है, 90 डिग्री है, ये क्लियर हो गया। अगर मान लिया जाए यहाँ पर अगर बी होता तो ए बी, यानी ए यहाँ लिखते बी यहाँ लिखते, अगर मान लिया जाए यहाँ बी होता ए के जगह में तो बी सी, यानी बी यहाँ सी यहाँ लिखते। हमेशा कर्ण के अपोजिट वाला एंगल समकोण होता है, यानी 90 डिग्री होता, तो इस केस में कोण बी यहाँ है तो ये 90 डिग्री का होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 21 है बिंदु एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। मूल बिंदु मान लेते हैं, ये एक मूल बिंदु है और ये मूल बिंदु को हम लोग ओ मान लेते हैं, ठीक है, इसका डिस्टेंस पूछा है एक पॉइंट, मान लेते हैं ये पी है, ठीक है, तो मूल बिंदु का जो एक्स और वाई का होता है वो 0-0 होता है, पी का दिया है एक्स और वाई का वैल्यू, तो इसका इसका डिस्टेंस फॉर्मूला यानी दूरी सूत्र से इसका बीच का दूरी निकालना है। तो इस केस में ये x1 होगा, ये y1 होगा और ये x2 होगा और ये y2 होगा, तो हम लोग दूरी निकालेंगे यानी OP का वैल्यू निकालेंगे दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र हम लोग को पता होगा क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है दूरी सूत्र, ठीक है। अब x2 का वैल्यू हो गया, x के जगह में x2 है और x1 का वैल्यू हो जाएगा 0, ओरिजिन पर हमेशा क्या होता है 0-0, प्लस y2 हो जाएगा y और ये हो जाएगा 0 अंडर रूट। अब 0 से किसी को जोड़े या घटाए कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी बचेगा x, तो ये स्क्वेयर है तो x स्क्वेयर प्लस यहाँ बचेगा y, क्योंकि 0 में x y किसी को भी जोड़ेंगे तो वो 0 नहीं होता है, ये हम लोग का क्या हो गया आंसर, लेकिन एक ऑप्शन नंबर कितना वो भी देखना होगा। तो 21 नंबर में ऐसा ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी का आंसर, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का अंडर रूट, ये हो गया आंसर। अगर आपसे ओरिजिन से डिस्टेंस पूछे तो हमेशा ये फॉर्मूला होता है, ये एक तरह से क्या है, फॉर्मूला है, तो ये आप याद रख सकते हैं या इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 तक हो चुका है, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 22 से सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है, यदि विभाजन बिंदु मध्य बिंदु है तो एम1 अनुपात एम2 का अनुपात क्या होगा, ठीक है। विभाजन बिंदु का मतलब हो गया, मान लिया जाए ये कोई
ये कोई दूसरा पॉइंट, ये मान लिया जाए पी है, ये क्यू है, ठीक है। इन दोनों का विभाजन बिंदु बोला है एकदम मध्य बिंदु है। अगर ये विभाजन बिंदु मध्य बिंदु है तो हम लोग को पता है कि इधर वाला भाग वन और इधर वाला भाग वन, यानी वन इज टू वन होगा। तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी बाई इसका, वन इज टू वन। विभाजन बिंदु कभी भी मध्य बोलेगा तो वन इज टू वन होगा, एम वन इंटू एम वन इज टू एम टू जिसको बोला जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, लिखा है 1 माइनस 10 स्क्वेयर 45 डिग्री बटा 1 प्लस 10 स्क्वेयर 45 डिग्री। हम लोग को वैल्यू पुट करना है 10 का, 1 माइनस 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ये स्क्वेयर है तो स्क्वेयर, 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है तो 1 का स्क्वेयर, 1 माइनस 1 का स्क्वेयर 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 0 बटा 2 आया इक्वल टू 0, क्योंकि 0 बटा 2 कितना होता है, 0 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा डी नंबर 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, देखिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है साइन 18 डिग्री बटा कोस 72 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है। साइन 18 डिग्री बटा कोस 72 डिग्री, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, साइन 18 डिग्री को लिख सकते हैं हम लोग कोस 90 माइनस 18 डिग्री। कैसे आया, एक फॉर्मूला होता है कोस 90 माइनस 18 को थीटा थीटा मान लेते हैं, कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो ऊपर वाला को अगर फॉर्मूला में तोड़ें तो नीचे वाला को कुछ नहीं करना है, बस उतार के छोड़ देना है, ठीक, उतार के छोड़ दिए। अब यहाँ पर इसको इससे घटाएंगे तो आएगा कितना, 72। अब देखिए ऊपर भी 72 है और नीचे भी कोस 72 है, ऊपर भी कोस 72, कैंसिल हो गया, आया कितना 1, यानी दोनों को काटने के बाद जो आया वो है 1। अब हमको ढूंढना है ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 24 को ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 1, यानी क्वेश्चन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा आंसर, कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ तक समझ में आया, इसमें आपको ध्यान देना है अगर ऊपर वाला को फॉर्मूला में तोड़ें तो नीचे वाला को कुछ नहीं करना है, अगर नीचे वाला को फॉर्मूला में लिखा जाए तो ऊपर वाला को उतार देना है, कुछ नहीं करना है, किसी एक को ही फॉर्मूला में आपको तोड़ना है, दोनों को फॉर्मूला में नहीं तोड़ना है, इस बात को याद रखना है, ठीक है। चलिए इतना तो हो गया, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है यदि टेन ए बराबर 3/4 तो साइन ए का मान क्या होगा, ठीक है। तो आ जाते हैं टेन ए में, टेन ए बराबर 4/3 ये दिया हुआ है और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है साइन ए। तो यहाँ पर हमको पता है कि टेन बराबर फॉर्मूला जो होता है वो होता है पी बाय बी, यानी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार का मान 3/4, तो हम लोग बोल सकते हैं पी का मान आ जाएगा 4k, क्योंकि अनुपात बटा अनुपात में होता तो k मानना पड़ता है और ये 3k। आपसे एच का मान निकालना होगा क्योंकि साइन में साइन जो होता है वो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी पी बाय एच, तो इसके लिए एच चाहिए और एच का फॉर्मूला होता है पी का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर। पी का मान 4 × 4 = 16, के का स्क्वेयर, और ये बी का मान 3 × 3 = 9, के का स्क्वेयर अंडर रूट है। अब इसको जोड़ेंगे तो 25 आएगा, 25 का हम लोग का वर्गमूल कितना निकलेगा 5। क्या किए, 16 और 9 को जोड़ दिए तो 25 हुआ, तो 25 का वर्गमूल 5, के स्क्वेयर है तो केवल आएगा के, क्योंकि स्क्वेयर तो कट गया, के कॉमन है, तो एच का वैल्यू निकला तो साइन का वैल्यू निकाल देते हैं, इसीलिए साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है पी बटा एच, पी का मान कितना माने हैं, पी का मान 4k, ठीक है, और एच का मान कितना है 5k, तो के कट गया यानी 4/5, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं 25 का कौन सा होगा, तो 4/5 वो ऑप्शन बी होगा, 4/5 ये आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं अब 26 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है यदि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर को हुनन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई, हम लोग एक चित्र बनाते हैं, ये मीनार की ऊंचाई है, ठीक है, ये मीनार की ऊंचाई है और मीनार का दूरी यहाँ से है और ये मान लेते हैं 60 डिग्री का कोण बना रहा, ठीक है, ए बी अपना मन से ए बी सी नाम देते हैं, ये 30 मीटर है, ठीक है, ये ऊंचाई हमसे पूछा है और ये एंगल कितने का बना रहा है 60 डिग्री का, ठीक है, ए बी पूछा है हमसे क्वेश्चन में। और एक बार पढ़ना है क्वेश्चन को आपको,
बोला है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कौन सा डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, यानी ए भी निकालना है। अब हम लोग को पता है कि जिसका मान निकालना हो और जिसका मान दिया है, इन दोनों को बटा में लिखा जाता है, यानी ए बी मीनार की ऊंचाई है बटा दिया किसका मान है, बी सी का, तो बी सी। अब यहाँ देखना है, ये तो परपेंडिकुलर है, ये बेस है, यानी पी बाई बी किसका होता है, टेन का, ये पी बाई बी यानी लंब बटा आधार, तो टेन का होता है लंब बटा आधार, तो टेन 60 डिग्री लिखना है, ठीक है। अब यहाँ मान बैठाना, ए बी निकालना है तो ए बी छोड़ देना है, बी सी का मान 30 मीटर दिया है, 30 मीटर। अब चूंकि टेन 60 डिग्री का मान ही होता है रूट थ्री लिख देना है, और ए बी बराबर, तो 30 इससे गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 30√3 मीटर, ये आंसर हो गया, क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब आपको खोजना है कि क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन कौन सा होगा, वो ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन क्या है, बी, यानी ऑप्शन बी आपका सही है, 30√3 मीटर, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, ये बोल चुका है क्यू समकोण है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं या चित्र बनाते हैं, ये मान लिया जाए एक समकोण त्रिभुज है जिसका ये क्यू समकोण बोला, तो इसको समकोण मान लिए, मान लेते हैं ये पी है ये आर है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन में लिखा गया है जिसका क्यू समकोण पी क्यू, पी क्यू 3 है, पी क्यू कितना है 3 सेंटीमीटर है, और पी आर 6 सेंटीमीटर है, पी आर ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसमें बोला है कोण क्यू पी आर निकालना है, क्यू पी आर यानी इस कोण को, कोण पी को निकालना है, तो कोण पी को हम थीटा मान लेते हैं, इसका मान निकालना है। अब चूंकि कोण पी अगर हमको निकालना है, तो इसके लिए हम लोग का जो फॉर्मूला बनेगा उसके हिसाब से, ये सामने वाला कोण लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, तो हमको ये दोनों मान पता है, तो इस दोनों को लेके चलना है, ठीक है। तो इस दोनों को हम लिख सकते हैं आधार बटा कर्ण, जो कि कोस के साथ आता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कोस थीटा, थीटा का मतलब ये पी, क्या हो जाएगा पी क्यू, पी क्यू बटा पी आर, पी आर कोस थीटा कितना होगा नहीं पता हमको, इसी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अब पी क्यू का मान कितना है 3, और पी आर का मान कितना है 6, काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी बोला जा सकता है कि कोस थीटा 1/2 है, तो बताइए कोस थीटा अगर 1/2 है, तो 1/2 कोस थीटा कितना डिग्री का मान होता है, तो हम लोग को पता है कोस 60 डिग्री का मान होता है, कोस कोस कैंसिल, थीटा का मान कितना आ गया 60। अब थीटा किसको माने हैं, कौन पी को, पी का मतलब क्यू पी आर को, तो हम लोग का ऑप्शन अब चेक करना है, ऑप्शन बोला है कौन क्यू पी आर का मान क्या होगा 60 डिग्री, तो इसी को हम लोग क्या माने हैं क्यू पी आर, क्यू पी आर कितना आ गया 60 डिग्री, तो क्यू पी आर तो निकल गया 60, तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा 60 डिग्री, ये आंसर हो गया, ठीक है। बस इस तरह हम लोग को कंसेप्ट से बना लेना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, आपका ऑब्जेक्टिव का 5 सेट है, हम लोग 5 का 5 सेट को इसी तरह सॉल्व करके जाएंगे, अब बस देखते रहिए और समझते रहिए, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 बोला एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि एक वृत्त है इसका कितना समांतर और स्पर्श रेखा, पहले तो समझना है स्पर्श रेखा खाली टच करके जाएगा, ये कटेगा नहीं, ये गलत बन रहा है ना, ये केवल क्या करके जाएगा टच करके, तो एक स्पर्श रेखा, अब इसके समांतर में एक नीचे से जाएगा, ठीक है, इस तरह, तो इसी तरह कितना होगा, बहुत होगा, अनंत होगा, अनगिनत, इधर से जाएगा इधर से, ये इसके समांतर जाएगा इधर से, है ना, इसी तरह ये जाएगा इधर से, तो इसके समांतर ये आ जाएगा, ये इधर से, इस तरह बहुत सारा होगा, तो हम लोग का हो जाएगा आंसर अनंत, यानी ऑप्शन नंबर ए, आपको अनंत लिखना, अनंत का मतलब बहुत सारा बनेगा, अनंत, ये आंसर हो गया अनंत क्वेश्चन नंबर 28 में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, अब इसको हम लोग बनाते हैं, बस आप इतना नोट करिए, इसके बाद हम लोग इसको बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या लिखा है, इसमें लिखा गया है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 है। तो पहले इसको चित्र बनाते हैं, एक सर्कल है, सर्कल का स्पर्श रेखा बिंदु Q है मान लिया जाए, यहाँ से दूरी 24 सेंटीमीटर है, और यहाँ यहाँ से जो केंद्र है यहाँ से 25 सेंटीमीटर है, ओ मान लेते, तो बोला ये त्रिज्या, इसको पी मान लिया,
ये आर का मान क्या होगा? तो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है यानी 90 डिग्री, तो आर का मतलब ओपी का मान निकालना है, और ओपी क्या है, एक तरह से लंब है, तो इसका मान निकालेंगे, ये 25 का स्क्वायर माइनस इस 24 का स्क्वायर, फॉर्मूला होता है पाइथागोरस का, ये त्रिज्या आर हो गया 25 का स्क्वायर 625 और ये 576, माइनस करने पर आएगा कितना 49 और इसका वर्गमूल होता है 7, यानी त्रिज्या जो निकालना था वो कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए जिसमें लिखा है 7 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा गया है कि यदि एक बिंदु पी से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर पी ए पी बी स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 के कोण पर झुकी हों तो पी ओ ए बराबर होंगे। पी ओ ए देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोलता है कि एक सर्कल है, मान लिया जाए ये क्या है, एक सर्कल है, इसका एक सेंटर है, अब ये सेंटर से एक स्पर्श रेखा आता है, ठीक है, जैसे ये स्पर्श रेखा और एक ये स्पर्श रेखा, एक दूसरे को 80 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, ये पॉइंट पी है, अब ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी, तो बोला है ये जो एंगल बनेगा यहाँ से बीस से अगर काट दिया जाए, ये अगर ओ है तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है एंगल पी ओ ए, मतलब ये एंगल आपसे पूछा गया है। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है, सबसे पहले तो ये स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है 90, ये 90, ये 80 है, ये पूरा 80 है, तो इसके सामने का पूरा कोण कितना डिग्री का होगा, 100 डिग्री का होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है कि आमने सामने का कोण का योग हमेशा 180 होता है, जैसे इसका सामने का कोण ये है, ये 90 है, ये 90, दोनों को जोड़ के कितना आएगा 180, इसी प्रकार इस कोण के सामने ये पूरा कोण है तो दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा 180, जिसमें से इधर वाला 80 है तो इधर वाला कितना आ जाएगा 100, अब 100 में से ये 20 से कटा है एकदम बराबर बराबर, तो 100 में से बराबर बराबर दो भाग का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50, ये भी क्या हो जाएगा 50 डिग्री, हमसे क्वेश्चन में पूछा था पी ओ ए, तो हम लोग बोल सकते हैं पी ओ ए कितना डिग्री आ रहा 50 डिग्री, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 50 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक, तो यही कंसेप्ट से हमको सॉल्व कर लेना है सवाल को, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 30 हो गया, क्वेश्चन नंबर 31 को बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा है 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, आर का वैल्यू पहले दिया 6 सेंटीमीटर, उसका थीटा का मान दिया 60 डिग्री, ये दो वैल्यू दिया हुआ है। अब चूंकि हमको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का थीटा बटा 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर, मान बैठाना है तो मान बैठेगा 60, 360 पाई का मान 22/7, आर कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, क्योंकि आर स्क्वायर है, 0 से 0 कटा, ये 36 से ये 36 कट जाएगा, दोनों को गुना करेंगे 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 31 है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 132/7, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 31 का, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर होगा बी नंबर, ठीक है 132/7। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा है त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण थीटा हो। फिर से वृत्त का वृत्त क्या निकालने बोला है 32 में, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 डिग्री और इसके बाद होता है गुना पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन में त्रिज्या आर कैपिटल आर है और क्षेत्रफल और इसका जो थीटा है वो पी डिग्री है, तो पी बटा 360 गुना पाई आर का मान क्या बैठाएंगे कैपिटल आर, ऐसा ऑप्शन नहीं है 32 नंबर में, ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन डी में अगर देखा जाए तो वो 2 यहाँ लिखा है और इसको कितना लिख दिया है 4720, यानी 2 से ऊपर नीचे गुना कर दिया, हम लोग भी कर सकते हैं, तो हम लोग 2 से इसको भी गुना कर दिए और इसको भी 2 से गुना करेंगे तो गुना करके आएगा कितना 720, यानी यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये कौन सा है ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 33,
इसमें लिखा है दो वृत्त की त्रिज्याएं 8 सेमी और 6 सेमी हैं, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ठीक है, ये कहना चाहता है कि दो वृत्त है, मान लेते हैं ये एक 8 सेमी वाला त्रिज्या है, ठीक है 8 सेमी इसका त्रिज्या है, एक और सर्कल है जिसका त्रिज्या इससे छोटा है, मान लेते हैं ये 6 सेमी वाला त्रिज्या है, वो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल को जोड़ देता है तो इससे एक नया क्षेत्रफल वाला सर्कल आता है, तो इस सर्कल का त्रिज्या वो पूछा है। इतना समझ में आ गया, ये एरिया को जोड़ता है। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मान लेते हैं नया वाला जो वृत्त बनेगा इसका त्रिज्या आर है, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा पाए आर स्क्वायर, ये किसके क्षेत्रफल के बराबर है, इसके क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल लिखेंगे तो पाए आर का मान कितना है 8, तो हम लोग लिखेंगे 8 का स्क्वायर। अब इसका लिखेंगे तो भी पाए और 6 का स्क्वायर, क्योंकि पाए आर स्क्वायर होता है, इक्वल टू पाए आर स्क्वायर, हम लोग पाए यहाँ भी है पाए यहाँ भी है, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 और 36 को जोड़ेंगे तो आएगा 100 पाए, पाए से पाए कट गया, चूँकि आर स्क्वायर है इसीलिए रूट इधर डालेंगे तो 100 का वर्गमूल कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। यानी जो क्वेश्चन नंबर 33 है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो जो नया वृत्त बनेगा उसका त्रिज्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये आंसर है। ठीक है, ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर आता है 34 में, जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो इसका एक फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसमें वैल्यू को बैठा देना है आंसर आ जाएगा। तो L का मान कितना है 12, B का मान 9 और H का मान 8। तो ये फॉर्मूला कहाँ लगता है, जब कभी भी एक कमरा में सबसे मैक्सिमम या सबसे लंबी या सबसे लंबा साइज का कोई बांस या कोई रड रखने का बात बोले तो इसी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। अब ये आ गया 12 का 144, 9 का स्क्वायर हो गया 81 और 8 का हो गया 64। ठीक है, सबको जोड़ देते हैं तो सबको जोड़ने पर आएगा, सबको जोड़ देते हैं, सबको जोड़ देते हैं, 4 4 8 एक 9, 6 4 10 18 हाथ में 1 और 1 2, यानी 289 और 289 का वर्गमूल होता है 17। यानी जो उसमें बांस रखा जाएगा उसका मैक्सिमम लंबाई कितना हो सकता है उस बांस का जो उसमें रखा जाएगा वो 17 सेंट। यहाँ तक क्लियर हो गया, चलिए आपको सारा चीज़ समझ में आ रहा है तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 को अब सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 तक कम्प्लीट हो चुका है, हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 35 को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा गया है 7 सेमी त्रिज्या तथा 5 सेमी ऊंचाई वाले लंब वृत्त बेलन का आयतन होगा। इसमें त्रिज्या दे दिया, यानी आर का वैल्यू दिया है 7 सेंटीमीटर और एच दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दे रखा है और लंब वृत्त बेलन का आयतन बोला है, तो हम लोग को पता है कि बेलन का आयतन का फॉर्मूला, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन पाए आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब हम लोग ये बराबर उतारेंगे, पाए का मान 22/7 गुना आर कितना होगा 7, स्क्वायर है तो दो बार लिखेंगे 7 को और एच 5, ये और ये कैंसिल हो गया, गुना करेंगे 770 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन हमेशा क्यूब में आता है। का जो ऑप्शन नंबर बी है ये आंसर होगा 770 सेंटीमीटर क्यूब, क्या हो जाएगा 4/3 पाए आर क्यूब, आर का मान कितना है 6, तो 6 का क्यूब हम लोग कर सकते हैं। ठीक, क्या हो जाता है 6 का क्यूब हो गया, इसके लिए भी 4/3 पाए आर क्यूब यानी 8 का पावर 3 और इसके लिए भी हो जाएगा 4/3 पाए और 10 का क्यूब, और इधर भी हो जाएगा 4/3 पाए आर क्यूब। देखिए 4/3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, पाई भी है तो सब कॉमन लेंगे तो 4/3 और पाई कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब क्या होता है 216, 8 का क्यूब क्या होता है 512, यहाँ बचेगा 10 का क्यूब कितना होता है 1000, और इधर तो 4/3 और पाई आर क्यूब है, ये है 4/3 पाई और 4/3 पाई क्या हो जाएगा कैंसिल। अब इस सबको हम लोग जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पर 6 और 2 कितना आएगा 8, 1 और 1 कितना आएगा 2, 5 और 2 7 और 1 इतना आया, बराबर क्या बचा आर क्यूब, इसका रूट क्यूब निकालना है क्योंकि आर क्यूब है, तो ये रूट क्यूब यहाँ चला जाएगा 1 7 2 8 और यहाँ क्यूब, तो इसका रूट क्यूब कितना होता है 12, याद रखिएगा 1 7 2 8 का रूट क्यूब कितना होता है 12, निकलेगा कैसे 100 करने पर। ठीक है,
तो आर का मान कितना निकल गया 12, तो क्वेश्चन नंबर 36 का ये आंसर कितना आएगा 12। तो क्वेश्चन नंबर 36 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 12 सेंटीमीटर आंसर है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, समझ में आ गया होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब कितना को देखेंगे 37 को, तो क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा है माध्य बराबर 60, तो हम लोग को माध्य का मान दिया हुआ है, कितना दिया है 60। ठीक है, माध्य के अलावा आपको माध्यिका का मान दिया है 50, माध्यिका का मान दिया है 50। आपसे बहुत लोग का मान पूछा है, तो एक फॉर्मूला होता है 3 माध्यिका, 3 माध्यिका बराबर बहुलक जोड़ 2 माध्य। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, मान बैठाना है, 3 माध्यिका का मान 60, नहीं माध्यिका का मान कितना दिया 50। ठीक है, 3 माध्यिका का मान कितना है 50, तो ये हो जाएगा 50। बहुलक हमको निकालना है तो बहुलक को छोड़ देना है। ठीक, तो बहुलक 2, माध्य का मान कितना है 60। अब हम लोग करते हैं गुना, तो हो जाएगा ये 150, इधर आएगा बहुलक, क्या आएगा बहुलक, और ये बच्चा जोड़ 120। 120 को 150 से माइनस करेंगे तो बचेगा 30, यानी बहुलक कितना आ गया 30, बहुलक कितना हो गया 30। तो इसका 37 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर 30, ये आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 को हम लोग सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा गया है किस प्रकार का तोरण है, तो हम लोग को समझ लेना है। जैसे कि अगर ये जीरो से शुरू होता है ना, ये जीरो से होता है, यहाँ कुछ दिया रहेगा 10, 20, 30, यहाँ दिया रहेगा 50, 60, इस तरह अगर ये जीरो से शुरू होके जाएगा तो हम लोग बोलेंगे वो कम प्रकार का तोरण है, लेकिन अगर इधर से शुरू होके आएगा तो उसको बोलेंगे अधिक प्रकार का तोरण है। अगर ये जीरो ओरिजिन से किधर भी शुरू होके जाएगा तो कम प्रकार का तोरण, अगर इधर से शुरू होके या इधर से शुरू होके ऊपर जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे अधिक प्रकार का तोरण। तो क्वेश्चन नंबर जो 38 है इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, क्या से अधिक प्रकार, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्या बोले, जब जीरो से शुरू होके जाएगा तो कम प्रकार का, और इधर से या इधर से ऐसे जाएगा तो अधिक प्रकार का। ठीक है, तो ये हम लोग का 38 नंबर क्वेश्चन था, हो गया। अब हम लोग आते हैं आखिरी के दो क्वेश्चन में, देखिए आखिरी का दो क्वेश्चन में आ जाएगा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 में क्या लिखा गया है, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो आपको याद रखना है अगर कोई भी वैल्यू जीरो और जीरो के बीच में आए तो वो सारा प्रायिकता के अंदर होगा, यानी प्रायिकता की घटना होगा, लेकिन अगर कोई वैल्यू जीरो से छोटा यानी माइनस में आ जाए या एक से बड़ा आ जाए तो कभी भी प्रायिकता का घटना नहीं हो सकता है। तो जो माइनस में है वो भी प्रायिकता का घटना नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है -1.5, ये एक प्रायिकता की घटना नहीं हो सकती है, तो आंसर हो जाएगा -1.5, क्योंकि प्रायिकता जीरो और एक के बीच में लाई करता है, जीरो से छोटा भी नहीं हो सकता है और एक से बड़ा भी नहीं हो सकता है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 40 जो आज का आखिरी क्वेश्चन है, अगर इसके बाद हम लोग का सेट नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम लोग सेट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा है कि दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का मैच खेलते हैं, यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या है। आपको 1 से माइनस करना है, कभी भी प्रायिकता आपसे पूछे इस टाइप का तो 1 से क्या करना है माइनस, तो जब हम लोग इसको 1 से माइनस करेंगे तो माइनस करने पर आएगा 0.38, ये आंसर हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन नंबर क्या है बी है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आंसर, एक से आपको माइनस करना है। ठीक है, तो ये हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया सेट नंबर 1, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेट में सेट नंबर 2 के साथ। जय हिंद दोस्तों।